यहाँ पे है 1608 इनका ये बर्थ है और 1674 इनकी डेथ है। यहाँ से देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, इनका बर्थ कब हुआ था, तो दिसंबर 1608 में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए थे, तो ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन इंग्लैंड, ये यहाँ पैदा हुआ था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेट ऑफ डेथ, इनकी डेथ कब हुई थी, तो नवंबर 8, 1674 इनकी डेथ कब हुई थी, 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी। उस समय इनकी एज कितनी थी, 65 ईयर्स ओल्ड थे ये, मतलब 65 साल के थे। प्लेस ऑफ डेथ, इनकी डेथ हुई कहाँ थी, तो बन हिल लंदन इंग्लैंड में हुई थी। अब बात कर लेते हैं इनके पेरेंट्स की, पेरेंट्स की बात कर ले तो फादर का नाम जॉन मिल्टन था, मदर का नाम सारा जेफरी था। एक बात कॉमन है यहाँ पे, आपके TGT में 4 राइटर्स हैं, 4 राइटर्स के पेरेंट्स जो भी फादर नेम है, फादर नेम जो राइटर के नेम है वही फादर नेम है, तो ये चीज़ कॉमन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, इनकी एजुकेशन जो अर्ली एजुकेशन थी इनकी कहाँ हुई थी, सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में हुई थी। हायर एजुकेशन इनकी कहाँ हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इनकी हायर एजुकेशन हुई थी। ओके, स्पाउजेस, इनकी पत्नियों कितनी मतलब इनकी पत्नी थी या कितनी इन्होंने शादी की थी, तो इन्होंने 3 शादियां की थी। 1642 में इन्होंने मैरी पोवल से शादी की थी, इनकी फर्स्ट पत्नी थी ये। 1656 में इन्होंने सेकेंड शादी की थी कैथरीन वुडकॉक से, ये इनकी सेकेंड वाइफ थी। 1663 में इन्होंने थर्ड शादी की थी एलिजाबेथ मिनसुल से, ये इनकी थर्ड वाइफ थी। ओके, ऑक्यूपेशन इनका क्या था, इनका जो पेशा था वो अबिलेटेड एलिजाबेथन पोएट इन्हें कहा जाता है, ये पैम्फलेटर थे, हिस्टोरियन थे एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये क्या थे, एक सिविल सर्वेंट भी थे, कब, कॉमनवेल्थ पीरियड में, जब इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था उस समय ये सिविल सर्वेंट थे, किसके अंडर, ओलिवर क्रॉमवेल के। पीरियड, किस पीरियड को एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, तो 1625 से लेके 1660, 1625 से 1660 की जो पीरियड है वो कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देख लेते हैं अ सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, ऑथर लेखक के जीवन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हिज फादर वाज स्क्रीवेनर बाय ट्रेड, उनके पिता क्या थे, पेशे से क्या थे, एक साहूकार थे, एक महाजन थे। ओके, स्क्रीवेनर मतलब होता है महाजन, सूदखोर जिसे बोल सकते हैं, साहूकार या मनी लेंडर बोल सकते हैं। मिल्टन एट स्कूल वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट, मिल्टन को स्कूल में क्या कहा जाता था, लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फर्स्ट कंपोजिशन वर टू शैम एट द एज 15 एट लॉन्ग बेनिंगटन। ओके, उनकी जो पहली रचनाएं थी वो कौन सी थी, टू साम्स थी। इन्होंने कब लिखा था, जब ये 15 साल के थे, कहाँ पे, लॉन्ग बेनिंगटन में इन्होंने लिखा था, इनकी फर्स्ट रचनाएं थी टू साम्स, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन 1625 ही वॉज एनरोल्ड एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो 1625 में उन्हें क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिला मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इन 1626 ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज ट्यूटर विलियम चैपल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1626 में अपने शिक्षक विलियम चैपल के साथ बहस के बाद उन्हें कॉलेज से क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपने ट्यूटर विलियम चैपल के साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया था इस वजह से, कब, 1626 में। नेक्स्ट, ऑन December 25, 1629 एट द एज ऑफ 21 ही कंपोज्ड द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर 1629 में इन्होंने, इनकी एज कितनी साल की थी, 21 साल की थी, 25 दिसंबर 1629 में इन्होंने एक ओड को कंपोज किया, एक ओड लिखा, उस ओड का क्या नाम था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इन्होंने कब लिखा था, 25 दिसंबर 1629 में, उस समय इनकी एज कब थी, 21 साल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस पे लिखा गया, लिखा था इन्होंने, ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज।
पर इन्होंने लिखा था। His epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare was also composed during these days. आगे क्या कहा जा रहा है कि इनका जो epitaph है, उनका जो epitaph है वो admirable यानी कि प्रशंसनीय नाटकीय कवि William Shakespeare पर उनका epitaph भी इन दिनों के दौरान रचा गया था। ठीक है, ये चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट पब्लिश पोयम वॉज ऑन शेक्सपियर 1630। इनकी जो बात अगर की जाए कि इनकी फर्स्ट पब्लिश पोयम कौन सी है तो ऑन शेक्सपियर है। ओके, फर्स्ट पोयम तो बात ही जाएगी, अगर कोई पूछा कि फर्स्ट पोयम कौन सी है, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि फर्स्ट पोयम कौन सी है तो फर्स्ट पोयम में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इन्होंने 1629 में किया था। बट अगर यहाँ पे पूछ लिया गया कि फर्स्ट पब्लिश पोयम अगर पूछ लिया गया तो ऑन शेक्सपियर है। ये ऑन शेक्सपियर क्या है, फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम है जो कब था, 1630 में आया था। एनोनिमसली इंक्लूडेड इन द सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। आगे क्या कहा जा रहा है कि जिसे गुमनाम रूप से विलियम शेक्सपियर के दूसरे फोलियो एडिशन में शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरा फोलियो एडिशन कब आया था, 1632 में, उसमें ये आके शामिल इसे किया गया था। ही टुक हिज बी ए डिग्री ऑन मार्च 26, 1629। उन्होंने बी ए की डिग्री कब प्राप्त की, 26 मार्च 1629 में। हिज एम ए ऑन July 3, 1632। और एम ए की डिग्री उन्हें कब मिली थी, 3 जुलाई 1632 में। ओके, नेक्स्ट, हिज बोथ द मास्क आर्केड्स एंड कॉमर्स वर कम्पोज फॉर नोबल पैट्रॉन्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने दो मास्क लिखे थे, पहला क्या था, आर्केड्स और दूसरा कॉमर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके दोनों मास्क आर्केड्स और कॉमर्स वर कंपोज फॉर नोबल पैट्रॉन्स, ये महान संरक्षकों के लिए बनाए गए थे, मतलब नोबल पैट्रॉन्स के लिए लिखे गए थे आर्केड्स और कॉमर्स। आर्केड्स वॉज परफॉर्म्ड ऑन 4 मई 1634। आर्केड्स को कब परफॉर्म किया गया था, 4 मई 1634 में। कॉमर्स वॉज परफॉर्म्ड ऑन 29 सितंबर 1634। और कॉमर्स को कब परफॉर्म किया गया था, 29 सितंबर 1634 में। ओके, ये दोनों मास्क हैं मिल्टन के, आर्केड्स और कॉमर्स, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कॉमर्स आर्ग्यू फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। कॉमर्स किसके बारे में है, वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चैस्टिटी के बारे में कॉमर्स बात करता है। नेक्स्ट, इन अप्रैल 1637 हिज मदर सारा जेफ्री डाइड। ओके, यहाँ पे हटा दिया है। तो 1637 में अप्रैल के मंथ में उनकी जो मदर थी सारा जेफ्री, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन नवंबर 1637 ही रोट द पोयम लिसिडस एज अ पेस्टोरल एलजी फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। 16 नवंबर 1637 में उन्होंने वह एक पोयम लिखते हैं लिसिडस, जो कि एक पेस्टोरल एलजी है, और इन्होंने किसकी डेथ पे लिखा था, अपने दोस्त एडवर्ड किंग के डेथ पे लिखा था। नेक्स्ट, इन जुलाई 1639 की जुलाई में ही कंपोज द पोयम एपिटेफियम डेमोनीज एज एन एलजी फॉर हिज बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जुलाई के मंथ में 1639 में उन्होंने एक और पोयम लिखी थी एपिटेफियम डेमोनीज, जो कि एक एलजी है, इन्होंने भी अपने बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी के लिए लिखा था। ओके, तो ये चीज़ को याद रख लीजिएगा, यहाँ पे भी ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे भी इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा था लिसिडस, जो कि एक पेस्टोरल एलजी है, 1637 में इन्होंने लिखा था अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए। ओके, और यहाँ पे भी याद रखिएगा, 1639 जुलाई के मंथ में इन्होंने एक पोयम लिखी थी, वो एपिटेफियम डेमोनीस है, जो कि एक एलजी के रूप में इन्होंने लिखा था, और किसके लिए लिखा था, यहाँ पे भी फ्रेंड की बात हो रही है, बट इनके चाइल्डहुड फ्रेंड की बात हो रही है, बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी के बारे में, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। इन 1642 एट द एज ऑफ 34 ही मैरिड 17-year-old मैरी पोवल। तो 1642 में ये 34 साल के थे, इन्होंने
17 साल की लड़की यानी कि मैरी पोवल से शादी की। मैरी पोवल उस समय कितने साल की थी? 17 साल की, 17 साल की थी। और ये कितने साल के थे? 34 साल के थे। ओके, द मैच वॉज नॉट गुड वन, इनका जो मैच था वो अच्छा नहीं था। एंड मैरी सून रिटर्न टू हर फैमिलीज होम, और मैरी जल्द ही अपने घर, अपने फैमिली के घर वापस आ गई। डिस्पाइट द एक्रीमोनियस स्टार्ट टू दियर 10 ईयर मैरिज, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने 10 साल के विवाह के कटु शुरुआत के बावजूद द कपल इवेंचुअली कंसीव 3 डॉटर्स एंड अ सन, और जो कपल्स हैं उन्होंने अंततः क्या किया, 3 बेटियों और एक बेटों की बेटा, मतलब उनके बेटा पैदा हुआ और 3 बेटियाँ और एक बेटा, ओके, कंसीव किए उन्होंने। वो अपनी शादी में खुश नहीं थे, उसके बावजूद यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा कि मैरी पोवल 17 साल की रहती हैं और ये 34 साल के रहते हैं, और मैरी पोवल कुछ टाइम तक रहती हैं, उसके बाद वो अपने फैमिली के घर आ जाती हैं, मतलब शादी में खुश दोनों नहीं रहते हैं, उसके बावजूद इनके 3 बेटियाँ होती हैं और एक बेटा होते हैं। ओके, नेक्स्ट। इन 1643 में अनहैप्पी इन हिज मैरिज, 1643 में अपनी शादी से नाखुश, ही रोट अ पैम्फलेट कंडेमनिंग इंग्लैंड्स डिवोर्स लॉज एंड टाइटल डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने इंग्लैंड के तलाक कानूनों की निंदा करते हुए एक पुस्तिका लिखी, जिसका शीर्षक क्या था, जिसका शीर्षक सिद्धांत और तलाक का अनुशासन था, डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, फॉलोड बाय द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रियन। आगे क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रियन का निर्णय लिया था, उन्होंने इसको लिखा था, द सो कॉल्ड डिवोर्स ट्रैक। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि जो सो कॉल्ड डिवोर्स ट्रैक है वो अर्न मिल्टन, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दी सो कॉल्ड डिवोर्स ट्रैक, उसका क्या था, डिवोर्स ट्रैक था अर्न मिल्टन द डेरिवेजिव निक नेम मिल्टन द डिवोर्सर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो सो कॉल्ड डिवोर्स ट्रैक इन्होंने जो लिखा था, इसकी वजह से इन्होंने अर्न कर लिया, कमा लिया, इनका निक नेम पड़ गया मिल्टन द डिवोर्सर पड़ गया इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने इतना ही रखा था, ज़्यादा नहीं रखे थे क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसे लगे ये रिवीजन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।